गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कला पारगम्यता के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। आइए हम देखते हैं कला पारगम्यता के कितने सिद्धांत हैं तथा किन किन वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रस्तुत किए हैं। कोशिका कला की पारगम्यता के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है धारण दाब सिद्धांत यानी रिटेंशन प्रेशर थ्योरी। दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिद्धांत यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी। तीसरा है इलेक्ट्रोकैपिलरी सिद्धांत यानी इलेक्ट्रोकैपिलरी थ्योरी। चौथा है वसा या लिपिड विलेयता सिद्धांत यानी फैट या लिपिड सोल्युबिलिटी थ्योरी। पाँचवा है कलिली सिद्धांत यानी कोलाइडल थ्योरी। छठवा है कैरियर सिद्धांत यानी कैरियर थ्योरी। आइए सबसे पहले देखते हैं धारण दाब सिद्धांत यानी रिटेंशन प्रेशर थ्योरी। यह सिद्धांत ट्यूब ने 1867 में प्रतिपादित किया। इस थ्योरी को किसने दिया? ट्यूब ने 1867 में, जिसके अनुसार कुछ पदार्थ कोशिका कला से बहुत अधिक बंधुता रखते हैं, अतः यह पदार्थ कला के अंदर से गुजर जाते हैं जबकि शेष पदार्थ कला के बाहर रह जाते हैं। ठीक है, ट्यूब ने क्या बताया कि जो कुछ पदार्थ होते हैं वह कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन से बहुत अधिक एफिनिटी रखते हैं, अतः यह पदार्थ मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाते हैं जबकि शेष पदार्थ कला यानी मेम्ब्रेन के बाहर रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी। यह सिद्धांत रुहलैंड एवं हाफमैन ने 1925 में दिया था। किसने दिया है? रुहलैंड एवं हाफमैन ने 1925 में दिया था। इन वैज्ञानिकों के अनुसार कोशिका कला में बहुत बारीक छिद्र होते हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं जो मॉलिक्यूलर चलनी या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सीव या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की भांति कार्य करते हैं, इन छिद्रों के द्वारा छोटे आकार के अणु आसानी से तेज गति के साथ प्रवेश करते हैं जबकि बड़े आकार के अणु आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज के अणु कला यानी मेम्ब्रेन में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं जबकि सुक्रोज के कण प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही महीन या बारीक छिद्र यानी पोर पाए जाते हैं जिनमें छोटे आकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आसानी से तेज गति के साथ प्रवेश करते हैं जबकि बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह तेज गति के साथ प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वह प्रवेश कर जाते हैं और सुक्रोज के नहीं कर पाते हैं। सीफ्रीज ने बताया कि अनेक खनिज लवणों जैसे पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के द्वारा प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इन पदार्थों के लवण पहले आयनीकरण करते हैं और ये आयंस कोशिका कला के छिद्रों के द्वारा भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, यह है एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका कला हो गया, सेल इंटरनल सॉल्यूशन हो गया। ये देखिए अल्ट्रा पोर यानी जो उन पर बारीक छोटे छोटे छिद्र यानी पोर, ये लार्ज पार्टिकल्स हो गए यानी बड़े आकार के कण जो आसानी से तेज गति के साथ प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके आगे की थ्योरी अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।